बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके यूनिट वेक्टर्स हैं, स्केल वेक्टर्स हैं, उसी तरह से हम आर कॉस थीटा जैसे कि यूज़ करते थे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो पॉइंट के एक्स वाई जेड में स्फेरिकल फॉर्म से, अब हम जो नेक्स्ट मूव किए हैं वो है हमारे पास, अब यहाँ पर आपके पास जो पोजिशन वैक्टर्स थे ये आर थीटा और फाई थे, ठीक है, ठीक हो गया। अब हम एक्स की वैल्यू भी हम देख चुके पहले कि आर साइन थीटा कॉस फाई, देन वाई की आर साइन थीटा साइन फाई और जेड की आर कॉस ऑफ थीटा है, वो वैल्यूज हमने पुट की हैं इन सिमिलर जैसा कि हमने सिलेंड्रिकल में की थी। ये सारा कुछ करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि हमने उसके यूनिट वेक्टर्स किस तरह से फाइंड आउट करने हैं। आप सिंपल डेरिवेटिव ले लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे एक दफ़ा आर की रिस्पेक्ट से, देन थीटा की रिस्पेक्ट से, देन फाई। आपके पास जो नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर है आर है, एक आपके पास थीटा है, देन फाई है, देन थीटा की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें फाई की रिस्पेक्ट से। पहले आर की लेंगे तो जब आप आर की रिस्पेक्ट से लेंगे तो ये आपके पास आर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से भी आपके पास साइन थीटा कॉस फाई रह गया, यहाँ से आपके पास साइन थीटा साइन फाई रह गया, और यहाँ पर आपके पास कॉस थीटा रह जाएगा। सिमिलरली आप थीटा के रिस्पेक्ट से लेंगे तो आर एज इट इज साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा हो गया, बाकी आपके पास एज इट इज साथ आ जाएंगे, यहाँ पे आपका साइन कॉस हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका कॉस माइनस साइन थीटा आ जाएगा। देन आप फाई के रिस्पेक्ट से लेंगे तो फाई वाले का डेरिवेटिव कॉस फाई माइनस साइन फाई हो जाएगा, देन यहाँ पे आपके पास कॉस साइन फाई कॉस फाई हो जाएगा और ये आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई भी फाई वाली टर्म नहीं है, ये आपके पास यूनिट वेक्टर बहुत ईजीली निकल आए हैं। देन आप इसके स्केल फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। स्केल फैक्टर से पहले हम ई थीटा और ई फाई फाइंड करेंगे, जो कि हम पता है किस तरह से करते हैं, उसका जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अब बस ई आर की ये वैल्यू आ गई, देन ई थीटा आ गया, देन ई फाई आ गया। ये बहुत ईजी सी बातें हैं, बहुत ज़्यादा दफ़ा पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको फिर भी कहीं से कोई डिस्कशन कोई मसला हो रहा है आप मुझे कमेंट कर दें, मेरे से जितना मुमकिन हुआ मैं आपको कमेंट सेक्शन में जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। पार्शियल आर पे पार्शियल आर की वैल्यू पुट की है, देन उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई हो गया, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई हो गया और कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। सिमिलरली आपके पास ये वाली टर्म का भी आपने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, देन ई फाई का भी ले लिया, आपके पास तीनों टर्म्स आ चुकी हैं। ये करने के बाद आपने नेक्स्ट उसके स्केल फैक्टर्स फाइंड करने हैं। स्केल फैक्टर उसका असल में मैग्नीट्यूड ही होता है, मैग्नीट्यूड जो लिया हुआ है आप देख लें यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, तो यहाँ पे आपके पास कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई वन बन जाएगा, बाकी आपके पास एज इट इज़, तो आपके पास ये चीज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन रह गया, और आपके पास इसका एच वन क्या आ गया, वन आ गया, यहाँ आप इसको एच आर कह लें, देन एच थीटा और एच फाई होगी आपके पास ये वाली टर्म्स। ये आपने नेक्स्ट एच थीटा फाइंड आउट करना है, उसी तरह से आप पार्शियल थीटा बाय थीटा का जो है वो मैग्नीट्यूड ले लें, और उसको हमने एच थीटा भी आर आ गया और एच फाई फाइंड करेंगे, वो आपके पास आर साइन थीटा आ गया। अब आपको पता है सिलेंड्रिकल में हमारे पास एच वन एच टू एच थ्री एच आर एच थीटा एच आर थीटा जेड आर एच जेड जो थे वो वन आर और वन थे। यहाँ पे आपके पास एच वन मतलब कि एच आर वन है, एच थीटा आर है, पहले दोनों सेम है और थर्ड वाला डिफरेंट है, वो आर साइन ऑफ थीटा है। ये करने के बाद आपने उसके आर्क लेंथ में आना है। आर्क लेंथ हम इससे पहले बहुत ज़्यादा दफ़ा आप तो पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी आपको पता है एरिया वॉल्यूम ये सारा कुछ क्या होता है। आर्क लेंथ में आपके पास डी एस का स्केयर इक्वल है डी आर डी आर के, तो एच वन डी यू वन का स्केयर, सारी आपने वैल्यूज पुट करनी है। डी यू वन आपके पास डी आर डी थीटा और डी फाई होंगे, एच वन वन आया, एच टू आर आया, एच थ्री आपके पास आर साइन थीटा आया, आपके पास एक न्यू एक्सप्रेशन आ गया इन द केस ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आर्क लेंथ में। देन आपने इसके बाद इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन अभी हम यहाँ से रुके, ओके अभी हम यहाँ पे आएंगे, इसके बाद नीचे आएंगे शायद, हाँ जी इसके एरिया एलिमेंट पर आएंगे। एरिया एलिमेंट में के हमें फार्मूलाज बताएं, इन द केस ऑफ ए वन जब आप एरिया ऑफ एलिमेंट फाइंड करेंगे तो आपके पास बाकी सारे एक्सप्रेशन होंगे, एच टू एच थ्री होगा, डी यू टू डी यू थ्री होगा, ए टू के में आपके पास ए टू वाली टर्म नहीं होगी, ए थ्री में आपके पास सिर्फ एच थ्री और डी यू थ्री नहीं होगी, बाकी सारी टर्म्स होंगी। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें, यू टू आपके पास थीटा होगा, यू थ्री फाई होगा, क्योंकि आपके पास पहली टर्म आर है, दूसरी थीटा है, तीसरी फाई है, तो यू टू है तो थीटा, यू थ्री है तो फाई, डी फाई आपने वैल्यूज पुट की, डी वन डी ए वन डी ए टू डी ए थ्री सारी आंसर आ जाएंगे। ए टू के केस में डी यू वन है तो मतलब आपके पास ये फाई फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन आर और डी यू थ्री में फाई, देन यहाँ पे डी यू वन है तो आर और डी यू टू में थीटा, तो डी आर डी थीटा, आपने बाकी वैल्यूज ईजिली पुट कर लेनी है। देन नेक्स्ट केस में आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, वैल्यूज पुट करेंगे ईजिली आंसर आ जाएगा। एच वन एच टू एच थ्री की वैल्यू पुट की, यू वन डी यू वन डी यू टू डी यू थ्री को रिप्लेस कर लिया,
और आपके पास वॉल्यूम का ये आंसर आ चुका है। देन जेकोबियन के केस में हमने बताया वो h1 h2 h3 के इक्वल होता है, वो पूरा टर्म उसके टर्म से डिवाइड हो जाता है इन द स्फेरिकल। अब हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेनी है 1 r और r sin थीटा, तो आपके पास r स्क्वायर sin थीटा इन द केस ऑफ जेकोबियन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आ चुका है। अब आपने उसी तरह से एक्सप्रेशन सारे फाइंड आउट करने हैं, ग्रेडियंट के, डाइवर्जेंस के, कर्ल के, लाप्लाशियन के, सारे एक्सप्रेशन उसी तरह से फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, तो फिर हमें पता है कि h1 क्या आया, h2 क्या आया, h3 क्या आया है, ar, a थीटा और a phi यहाँ पे हमारे पास होंगे। उसी तरह से हमने जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक्सप्रेशन देखे वहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ पे भी हम h1 h2 h3 की वैल्यू पुट कर लेंगे, 1 r और r sin थीटा, और अब यहाँ पे u1 u2 u3 को किससे रिप्लेस करेंगे, पार्शियल r बाय पार्शियल r से, पार्शियल बाय पार्शियल थीटा से, और पार्शियल बाय पार्शियल साई से। और यहाँ पे e1 e2 e3 भी आपके पास er e थीटा e phi हो जाएंगे, बाकी सारा वही एक्सप्रेशन h1 h2 h3 की बस वैल्यूज पुट करनी है। ग्रेडियंट का केस हो गया, देन आपने जो स्फेरिकल डाइवर्जेंस के लिए फार्मूला फाइंड आउट किया, यहाँ पे भी a1 a2 a3 आपके पास er a थीटा e phi से रिप्लेस हो जाएंगे, h2 h1 h3 की वैल्यूज हमें पता है वो हम पुट करेंगे, और आपके पास डेल्टा t डाइवर्जेंस इन द केस ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास लास्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा। कर्ल के सिस्टम में भी आप उसी तरह से, जैसे कि लास्ट में हमने उसमें सिलेंड्रिकल में कर्ल फाइंड किया, इस तरह से आप उसी तरह से वैल्यूज पुट कर लें, h1 h2 h3 की, e1 e2 e3 को भी आप रिप्लेस कर लें, यहाँ पे भी u1 u2 u3 को r थीटा फाई से रिप्लेस कर लें, यहाँ पे भी इसकी वैल्यूज पुट कर लें, देन आप उसका जो है वो कर्ल ले लें। जब आप er के लिए लेते हैं तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो खत्म हो जाती है, बाकी का डिटर्मिनेंट ले लें। जब आप r थीटा के लिए लेते हैं तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो खत्म हो जाएगी, बाकी इसका और इन दोनों का आप जो है डिटर्मिनेंट ले लें, देन आप लास्ट वाले के लिए लेंगे तो आप इन दोनों का डिटर्मिनेंट ले लेंगे और आपके पास डेल क्रॉस ए इजीली आ जाएगा। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं इन द केस ऑफ कर्ल, या जब आप फर्स्ट के लिए बुक करेंगे तो आपके पास फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम खत्म हो जाएगी, पार्शियल पे पार्शियल थीटा आर साइन थीटा ए फाई यही चीज़ आई है, माइनस पार्शियल पे पार्शियल फाई आर ए थीटा आ जाएगा। देन नेक्स्ट केस में आपने आर ई थीटा के लिए करना है तो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो खत्म हो जाएगी, पार्शियल पे पार्शियल आर आर साइन थीटा ए फाई आपके पास आ गया, और पार्शियल पे पार्शियल फाई ए आर आ जाएगा, यह आ गया। देन आपने लास्ट एक्सप्रेशन के लिए भी इसको इजीली इसी तरह से डिटर्मिनेंट ले लेना है, ये आपके पास इन द केस ऑफ कर्ल आ गया। लाप्लाशियन के लिए भी आप वैल्यूज पुट करेंगे, इजीली जो है वो सॉल्व हो जाएगा। h1 h2 h3 की वैल्यूज पुट की, h2 h3 की जो लाप्लाशियन जो कि हमने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लास्ट एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया, इन चारों एक्सप्रेशन को अच्छे से याद कर लेंगे, यही हम अभी तक यूज कर रहे हैं। ये सारी आर u1 u2 u3 को जो हमने चेंज कर लिया है, वैल्यूज पुट की यहाँ पे h2 h3 h1 की, u1 को रिप्लेस कर लिया पार्शियल साइड पार्शियल आर से, सेकंड वाले में थीटा से, थर्ड वाले में फाई से। बाकी आपने h3 h1 की वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ पे h1 h2 की वैल्यू पुट करनी है, और लास्ट एक्सप्रेशन आपका इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल आर है, आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन देखिए देख लेते हैं, पार्शियल बाय पार्शियल आर एज इट इज, आर साइन थीटा आपके पास बाहर चला जाएगा, और ये आर आपके पास कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई यहाँ पे, रुके, आर साइन थीटा पार्शियल बाय पार्शियल आर, आर स्क्वायर पार्शियल साई बाय पार्शियल आर, फिर यहाँ पे आर स्क्वायर कैसे आ जाएगा, जो आर स्क्वायर साइन थीटा बाहर भी चला गया, कुछ मसला है कि पार्शियल साइन बाय पार्शियल आर हो गया आपके पास, ये आपके पास आर स्क्वायर साइन थीटा हो गया, और ये पार्शियल बाय पार्शियल आर हो गया, यहाँ पे आर आएगा, देन यहाँ पे आपके पास आर साइन अब थीटा आ जाएगा, और ये आर साइन आर और आर कैंसिल भी होंगे यहाँ लास्ट वाले प्रीवियस से जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास पार्शियल बाय पार्शियल साई हो गया, आर पार्शियल साई बाय पार्शियल फाई हो गया, और आर साइन थीटा और आर कैंसिल हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे भी आपके पास आर कैंसिल होंगे। इस एक्सप्रेशन को आप अपने हैंड आउट पे करें बहुत इजीली, अगर कोई मिस्टेक भी होगी तो समझ आ जाएगी। देन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, इजीली हो जाएगा। देन एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल भी पीछे वाले से मिलती जुलती हैं, क्योंकि हमने जैसे हमने सिलेंड्रिकल में की, पोलर में की, या फिर आपने कर्वीलिनियर में की, उसी तरह की एग्जाम्पल हैं, बस समझने की बात है, आप थोड़ा सा समझेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई और एक्सप्रेशन की कहीं मिस्टेक हुई तो मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो लेक्चर में बता दूंगी। वैसे मुझे यहाँ पे थोड़ी सी
मिस्टेक लग रही है, डाउट लग रहा है, मिसाल दे के आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको डिटेल से बता दूंगी अगर कोई चेंजिंग हुई तो। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।